नई संसद के उद्घाटन पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियों ने इसका बहिष्कार तक कर दिया है। इन्हें पीएम मोदी से उद्घाटन कराए जाने पर आपत्ति है, लेकिन बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी, लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे। ये लोकतंत्र का वातावरण। नई संसद के उद्घाटन को लेकर देश में मचे सियासी घमासान के बीच पीएम मोदी का ये बयान विपक्ष के लिए तंज की तरह है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक साथ शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ विपक्ष संसद के उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार के लिए एकजुट हुआ है। कांग्रेस सहित 19 विपक्षी पार्टियों ने कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया। विरोध करने वालों में तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां शामिल हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। इसी बात पर विपक्ष को आपत्ति है। विपक्ष का कहना है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से न कराया जाना उनका अपमान है। Our party, the Communist Party of India, is one of the 19 political parties who have come together, who have announced collectively to boycott the opening ceremony of the new parliament buildings. We have certain reasons for that, because the foundation was laid down by Prime Minister. The then President Ms. Kovind was not invited. Now the building is going to be opened, and the present Prime Minister, the President, Mr. Murmu, Madam Murmu, is not invited. राष्ट्रपति का पद जिसके बिना संसद की परिभाषा ही अधूरी है, अगर उसके द्वारा उद्घाटन नहीं होगा या उद्घाटन में वो आमंत्रित भी नहीं किया जाएगा, तो ये सरासर गलत है और एक गलत परंपरा की शुरुआत है। बीजेपी उद्घाटन समारोह को देश के लिए गौरव का पल मानते हुए जश्न मना रही है। AIMDK, RPI, तमिल मनीला कांग्रेस, असम गण परिषद, RPI सहित NDA में शामिल 18 पार्टियों ने उद्घाटन का समर्थन किया है। लोक जनशक्ति पार्टी, BJD, BSP सहित 5 नॉन NDA पार्टियों ने इसका समर्थन किया है, जबकि विपक्षी पार्टियां बहिष्कार पर अड़ी हैं। इसे लेकर सियासी माहौल गर्म है, बयानों के तीर चल रहे हैं। CM शिवराज ने ट्वीट कर उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार को बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने लिखा कि विपक्षी दल लोकतंत्र को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बहिष्कार कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने भी विपक्ष पर निशाना साधा है। क्या ये शिलान्यास में आए थे क्या संसद भवन के? बस हम नहीं आएंगे, हम इसका विरोध करते हैं। क्या आज तक ये सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर दो पुष्प चढ़ाने गए हैं, जिसके यहां जहां पर लाखों पर्यटक आते हैं हर हफ्ते, भारत का मान है, दुनिया की टॉलेस्ट स्टैच्यू है वो, वहां गए हैं क्या? ये जो इंडिया गेट के पीछे सेना का मेमोरियल बना है, जो अपने आप में वर्ल्ड क्लास मेमोरियल है, वहां गए हैं क्या? है एक बार भी परमवीर चक्र विजेताओं को डिजिटली प्रणाम करने? नहीं, क्योंकि इसको मोदी जी ने बनवाया। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार पर सिर्फ बीजेपी ही निशाना नहीं साध रही। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी विपक्ष के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश की संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं तो और कौन करेगा? विपक्ष को मोदी जी का विरोध करना चाहिए, देश का नहीं। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? हमें मोदी का विरोध करने का हक है, हम मोदी का विरोध करेंगे, करते हैं। विपक्ष को मोदी का विरोध करना चाहिए, लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं।
देश को आजादी के 75 साल बाद खुद का बनाया संसद मिला है। इसका उद्घाटन गौरव की बात है, लेकिन विपक्ष को इसमें भी सियासत का मौका नजर आ रहा है। बहिष्कार में इस विपक्षी एकजुटता पर घमासान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।